Hi, hello, namaste friends. Welcome to Usharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make Nariyal Brown Bread ka Barbi. Aaj hum banayenge swadisht Nariyal Brown Bread ki Barbi. Agar aap white bread mein banana jate ho, aise hi white bread mein bana sakte ho. So aaiye ingredients dekhenge. Humne liya hai 200 gram Nariyal grate kiya hua. Ye fresh Nariyal hai, maine grate karke rakha hai. 4 पीस ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर जो लो कैलोरी शुगर होता है, ब्राउन शुगर, और इसके जहाँ आप गुड़ ले सकते हो, गुड़ भी बहुत ही टेस्ट अच्छा लगेगा. सो 4 टेबलस्पून हनी, कटा हुआ काजू बादाम 2 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून चावल की आटा लिया है, अगर आप मैदा भी ले सकते हो. इधर 1 टेबलस्पून घी. सो आइए हम शुरू करते हैं ब्राउन ब्रेड की बर्बी. सबसे पहले ब्रेड को पाउडर करेंगे. लीजिए, मैं पहले से ब्राउन ब्रेड को इस तरह पाउडर बनाकर रखा है. सो शुरू करते हैं बर्बी बनाएंगे. सबसे पहले गैस में एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो हमने घी रखा है वो डाल देंगे. इसमें घी मेल्ट होने देते हैं. अभी इसमें नारियल डाल देते हैं जो हमने ग्रेट करके रखा है, फ्रेश नारियल. बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये. सो इसके साथ ही शुगर डालेंगे. दोनों मिलकर अच्छी तरीके से बहुत ही टेस्ट बनेगा, इसी में ही कुक होगा. सो इसको मेल्ट होकर कुक होने तक इसको मिक्स करेंगे. अभी शुगर में नारियल मिक्स होकर कुक हो रहा है, तब तक जो हमारा ब्रेड पाउडर है ना, इसी में जैसा इसमें 150 ग्राम दूध डालनी है. मैं भूल गई बोलने की, दूध डालकर इसको मिक्स करके रखना है, यानी कम्प्लीटली ब्रेड पाउडर मिक्स होना है अंदर. ये देखिए इस तरह. इसको नारियल शुगर कुक होने तक इसको ऐसे रखेंगे मिक्स करके, जैसा हमारा ब्रेड पाउडर इस तरह मिक्स होना है. अभी ठीक है, 6 मिनट कुक हुआ है. अभी इसमें हनी डाल देंगे, जो हमने हनी रखा है. इसमें हनी डालकर मिक्स करेंगे इसको. हनी डालकर 2 मिनट मिक्स किया. अभी जो हमने ब्रेड में दूध डालकर रखा है इसमें डाल देते हैं. अभी इसको मिक्स करेंगे. देखिए कढ़ाई में नहीं लग रहा है, एकदम हलवा जैसा बनाकर तैयार हो रहा है. इसी वक्त अभी थोड़ा से जो हमने चावल की आटा रखा है, इसका जहाँ मैदा भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैदा को फ्राई कर डालना है. मैं चावल का आटा डाल रही हूँ, ये क्रिस्पी टेस्टी आएगा, इसलिए अगर ना भी डाले फिर भी अच्छा है. ये थोड़ा टेस्ट क्रंची आने के लिए डाल रही हूँ. अभी बिल्कुल तैयार है. देखिए इस तरह आटा डालकर, जो चावल की आटा डाला डालकर 2 मिनट इस तरह इसको मिक्स करना है. अभी रेडी है ये. अभी इसको एक प्लेट में डाल देंगे. हमने पहले से ही एक केक ट्रे में या एक प्लेट में, कोई भी प्लेट ले लीजिए, उसमें घी लगा कर रखा है हमने. सो अभी
घी तेल या बटर डाल सकते हो। अभी हम आटा को इसमें डाल देंगे, डालकर इसको सारा इसमें डाल दिया है। चाहिए इसके ऊपर थोड़ा से तेल लगाकर इसको बराबर कर सकते हो। मैंने थोड़ा से चम्मच में घी लिया है, घी की मदद से सही तरह इसको बराबर किया है। इसके ऊपर अभी जो हमने काजू बादाम रखा है इसको इसको ऊपर डाल देते हैं। डालकर इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट होने देते हैं, उसके बाद हम स्लाइस करेंगे इसको। तब तक इसको ठंडे होने देते हैं। वेट करेंगे फॉर हाफ एन आवर। रेडी हो गया है, हाफ एन आवर हो गया है। अभी हम काट कर स्लाइस करेंगे इसको। रेडी हो गया है हमारा बर्बी, एकदम टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना। देखिए कितना अच्छा बना है ना। बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे क्योंकि इसमें हनी नारियल फ्लेवर मिलकर एक डिफरेंस ऑफ फ्लेवर बहुत ही टेस्ट आया है। अभी बनाकर देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।